नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। देश के सबसे बड़े सियासी रणक्षेत्र उत्तर प्रदेश में राजनीति के कई रंग देखने को मिलते हैं। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद भी यहां हमेशा राजनीतिक सरगर्मियां चलती रहती हैं। ताजा मामला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक सरजमी सिराथू से जुड़ा है। यहां 400 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामले पर विस्तार से बात करें तो मतगणना बूथ पर सपा कार्यकर्ताओं की टोली ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं से भी कुछ हेर फेर ना हो। इस बीच कौशाम्बी के नवीन मंडी ओसा में मतगणना के दौरान ईवीएम और मतगणना में गड़बड़ी से जुड़ा एक मामला सामने आया। दरअसल सिराथू में ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका के चलते कुछ देर के लिए मतगणना को रोक दिया गया। इसके बाद हंगामे ने तूल पकड़ लिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर, जानकारी होने पर सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल भी वहां पहुंची। इसके बाद तमाम तरह की अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया। फिर क्या था, भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर भिड़ंत हुई। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो सपा कार्यकर्ताओं ने ईंट पत्थर से हमला बोल दिया और पुलिस की गाड़ियों पर तोड़फोड़ कर मंडी का गेट तोड़ने की कोशिश की। जब हंगामा इतना बड़ा और इतने पर भी शांत नहीं हुआ तो पैरामिलिट्री फोर्स ने लाठी भांजनी शुरू कर दी, जिसके बाद कार्यकर्ता भाग निकले। मामले को लेकर अब 400 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता इसमें कहीं भी FIR में नजर नहीं है। हालांकि निष्पक्षता की बात होती है, लेकिन अभी फिलहाल सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्योंकि भैया योगी 2.0 की सरकार शुरू हो चुकी है और जल्द ही मुख्यमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ दोबारा से हो सकता है विराजमान हो। लेकिन उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अपने आप को प्रबल दिखाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है और 400 सपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है हंगामे को लेकर। लेकिन वहां पर भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिनके खिलाफ अभी तक फिलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन शायद तक हो सकता है कार्रवाई हो, कुछ समय लग रहा हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।